नमस्कार दोस्तों, राज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके एक वेल्डिंग मशीन। तो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं बार बार में और मेरे को पूछ रहे हैं कि वेल्डिंग मशीन के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये वेल्डिंग मशीन बिल्कुल एक्यूरेट चालू है, इसमें दोस्तों छोटी मोटी दिक्कत है तो मैंने इसके लिए वीडियो बना लेंगे और उसका डेटा भी निकाल लेंगे। और दोस्तों इसमें कौन कौन सा वायर डला हुआ है और कौन कौन कितनी कितनी किलो डले हुए, कितनी पत्ती है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इस वीडियो में संपूर्ण आप वीडियो में बनी दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, देखने बाद में आपको पूरा डेटा मिलेगा इसमें और इसमें कैसे चलेगी, कैसे इसका कनेक्शन हो गए सब बताएंगे। तो दोस्तों इसका वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों इसमें वेल्डिंग के बारे में पूरा वीडियो बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये 250 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। तो दोस्तों इसमें क्या खराबी है? तो दोस्तों इसमें जो दो चार पोल की वेल्डिंग मशीन है, तो दोस्तों इसमें एक पोल इसमें हल रहा है, तो इसके बारे में पूरी बताएंगे। तो दोस्तों इस वेल्डिंग मशीन को मैं खुलाता हूँ, खुलाने के बाद में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मिस्त्री खोल रहा है, खोलने के बाद में आगे बताएंगे। तो दोस्तों इसमें चार नट लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, तो इस पहले से हम डिले कर रखे हैं इसलिए कि वीडियो लंबा ना हो। तो इसके बारे में खोल रहा है, आगे बताते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरीके से ये पूरी वेल्डिंग मशीन खोल लेना है। मैंने चारों नट कंप्लीट खोल लिया है इसके। खोलने के बाद में दोस्तों इसको ऊपर कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हटा देते हैं, ऊपर का हिस्सा है इसको अदर कर लेते हैं और इसको साइड में मेल देते हैं। तो दोस्तों ये अपना हिस्सा है, जो ये अपना इसका होल्डर का है, इसमें वेल्डिंग तेज या ज़्यादा करने के लिए है। 150 ये जो अपना 250 एम्पेयर वाली वेल्डिंग है। तो दोस्तों ये हमने वेल्डिंग अलग कर ली है, एक ऊपर हुआ जो हिस्सा था वो जो हमने एक्स्ट्रा हिस्सा था वो जो वोल्टेज कम बेसी करने के लिए काम में आता है, तो दोस्तों इसको अलग कर लिया है। तो दोस्तों हम आगे बताएंगे आपको दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है भैया। तो दोस्तों इस वेल्डिंग मशीन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसमें ओनली फॉर दिक्कत ये है ये वेल्डिंग बिल्कुल चालू है। तो दोस्तों हम आपके लिए विशेष तौर से हमने मंगवाई है, इसमें दिक्कत ये है इसके कोयले हैं जो बिल्कुल थोड़ा कोयले ये हल रहा है। देखो आप मैं दिखा देता हूँ, ये कोयला ना बिल्कुल वायर वेट कर रहा है, ये कोयला बिल्कुल ढीला है, इसमें देखो इसे हल रहा है तो ये वायर वेट करता है, इसलिए हमने वेल्डिंग मशीन मंगाई। और इसका एक अटका वायर है तो वो भी हमको नया डालना है, ये दिख रहा होगा आपको टूट गया है, तो इसलिए वेल्डिंग हमने मंगाई। इसका आपको वीडियो भी बन जाएगा और हम आपको बता भी देंगे और आप इसके बारे में कुछ जानकारी भी मिल जाएगी, तो इसलिए हमने ये वेल्डिंग मशीन आपके लिए ही मंगाई है। तो दोस्तों आगे इसका ये चार, इसमें दो नट है स्ट्रेट दिया हुआ है, 15 का पाना लगेगा इसमें, 3 सूट के नट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ नजदीक से कैमरा करके, जो आपको दिख रहा है 3-2 ये दिख रहा है, कैमरे में कलर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये खुलाते हैं फिर आगे बताता हूँ। पत्ती आप देख सकते हो, जैसे ये नट खुलेगा जैसे ये पत्ती छिद्दी होने लग जाएगी, तो आप देख सकते हो ये पत्ती छिद्दी होने लगी है। छिद्दी होने के बाद में दोस्तों ये नट ढीला हो जाएगा, ढील होने के बाद में आपको ये स्टैंड बना हुआ है जो एंगल का है, तो इसको आप ये खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये नट आपको दिख रहा है, ये नट इधर से है और एक नट दोस्तों ये इधर से है, दोनों इसको थोड़ा ढीला करना है, इसको थोड़ा आपको पूरा नहीं खोलने का, थोड़ा बहुत खोलने का है, खोलने से ये स्टैंड अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको खुला देता हूँ मैं, खुलाने के बाद में आपको दिखाऊंगा आगे। तो दोस्तों ये नट पूरे ढीले हो गए, दोनों नटों को हमने खोल लिया है, खोलने के बाद में स्टैंड को ऊपर उठा लेते हैं। दोस्तों इसको स्टैंड को उठा लेते हैं, तो दोस्तों ये पत्ती ढीली हो गई, अब स्टैंड ऊपर आ जाएगा आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरीके से स्टैंड ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से आपको नट खोल देना है। हाँ तो दोस्तों इस तरीके से स्टैंड अंदर हो जाएगा, दोस्तों ये स्टैंड उठा रहा है मिस्त्री। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कितने की पड़त है। दोस्तों सबसे पहले मैं पड़त बताता हूँ, पड़त क्या होती है। दोस्तों पड़त ये होती है, पहले इसको कुत्ते को साइड में कर देते हैं और इसकी पड़त गिन लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें पड़त है 3 की, इसमें 3-3 पत्तियों का स्लॉट है, इसमें आप देख सकते हो ये 3 की पड़त, इस तरीके से ये पड़त लगती है और इस तरह से। दोस्तों मैं गिना देता हूँ 1-2-3, इसमें 3 की पड़त है दोस्तों, ये 3 पर इस पर 3-3 का सेट लगेगा, आगे की पत्ती और गिन लेते हैं। और दोस्तों इस पर कितने की पड़त है, इस पर है दोस्तों 5 की, ये इस पर दोस्तों 5 गिन सकते हो, 5 की पड़त है दोस्तों एक्यूरेट, इस पर एक पत्ती कम लगी हुई है, 2 पत्ती कम है और ये 5-5 की पड़त है, तो ये पड़त आपको याद रखना है तीनों। अब दोस्तों इसमें इधर से ये निकलेगी, ये भी देखते हैं कितने की है, मैं तो दोस्तों पड़त बोलता हूँ आप क्या बोलते हो, ये कितने की है इसमें गिना देता हूँ आपको, इसमें 3 और 2 5 5 की पड़त है, फिर मैं इसको खुला देता हूँ, आप समझ गए होंगे इस तरीके से आपको जचाना है इसको। तो दोस्तों आपको पेचकस गाड़ना है इस तरीके से और पड़त को एक एक बार खींच लेना, साइड में मेल देना है। दोस्तों इस तरीके से पूरी वेल्डिंग की पत्ती निकल जाती है और मैं एक साथ इसको निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये पूरी पत्ती आप एक साथ भी निकाल सकते हो पेचकस डाल के, और ये पूरी 5-5 की पड़त पर लगी हुई है इस तरीके से दोस्तों, ये लगती है और मैं लगाने के बाद मैं आपको आगे वो बताऊंगा किस तरीके से लगती है। आप देख सकते हो सब 5-5 पर लगती है, एक साइड इधर एक साइड इधर। दोस्तों ये वेल्डिंग मशीन आप देख सकते हो पूरी इसकी जो पत्ती की पड़त थी ना वो पूरी पत्ती निकल गई है, जो पत्ती की पड़त थी ना वो पूरी कंप्लीट दोस्तों निकल गई है। इस तरीके से आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो, और नहीं समझ में आया तो दोस्तों मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरी पड़त अलग कर लेना है, जैसे मैंने पूरी पड़त इस तरीके से दसा दी, आप देख सकते हो मेरी दुकान है, जैसे मैंने इस तरीके से पूरी पड़त दसा दी है। तो दोस्तों क्या करते हैं इसमें, दोस्तों इसमें एक प्लाई का टुकड़ा लगा हुआ है, जो अपना प्लाई आती है ना वो, जैसा ये प्लाई है दोस्तों आप देख सकते हो ये लगा हुआ है, आप लगाओ तो ठीक है, इसे पेपर भी लगा सकते हो या कुछ पुट्टा भी लगा सकते हो। अब दोस्तों सबसे पहले इसको अलग करते हैं और इसको भी कनेक्शन इसका अलग करते हैं, ये कनेक्शन आप देख सकते हो इसको अलग कर देते हैं। ये इस कोयल का मैं आपको बता देता हूँ, ये अंदर वाला हिस्सा है और दोस्तों ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है। ये अंदर वाला सबसे पहले लाइट इसमें बढ़ती है और इसमें निकल जाती है और दोस्तों इसके ये जुड़ जाता है वापस।
तो दोस्तों ये बाहर वाला ये अंदर वाला दोनों में लाइट, इसमें ये होल्डर का होता है प्लस का अर्थ का होता है, होल्डर का होता है कोई भी समझ सकते हो आप, ये होल्डर में लगेगा और ये अर्थ में लगेगा। तो दोस्तों इसको अलग कर देते हैं, ये टेप कर रखी है मैंने कि वाइप अलग ना हो। तो मैंने तो फोटो खींच लिया दोस्तों, इसको वीडियो बना लिया, फिर भी आपको कुछ हैरान कर लेना चाहिए, आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये कोयल बाहर काटते हैं, बाहर काटने के बाद बताता हूँ। तो दोस्तों ये कोयल बिल्कुल ढीला हो गया, लूज हो गया और वायर वेट करने लगा है। तो वायर वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ लकड़ी का टुकड़ा डाल दो या इसमें आपको कुछ ये कुछ भी डाल सकते हो, लकड़ी का टुकड़ा डाल दो या कुछ पुट्टी डाल दो, टाइट हो जो भी डाल देना इसमें, इस तरीके से वायर वेट नहीं, वायर वेट करेंगे तो कोयल जलने का खतरा रहता है और अर्थ होने का खतरा रहता है। तो सबसे पहले मैं इसको चालू कोयल को बाहर निकाल देता हूं, फिर मैं आपको दोस्तों आगे बताता हूं। तो दोस्तों ये वेल्डिंग मशीन खुल के कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है, दोस्तों इसमें ये दिक्कत है, ये कोयले है ना जो हिल रहा है दोस्तों, इस तरीके से ये कोयल हिल रहा है और नीचे वाली कोयल हिल रहा है। तो दोस्तों इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, कोयल हिलने की बीमारी है, इसलिए इस बीमारी को दूर करने के लिए अपन इस वीडियो को बनाने के लिए ही वेल्डिंग मशीन लेकर आए हैं कि आपके पास में वीडियो बन जाएगा और अगले कस्टमर का भी रिपेयर हो जाएगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगले के चल रही थी, मैंने आपके लिए रिपेयरिंग के लिए इसको लेकर आया हूँ, आपके लिए रिपेयरिंग के लिए ही मैं इसको लेकर आया हूँ और आपका वीडियो बन जाए और किसी भाई के रिपेयरिंग समझ में आ जाए, भाई किस बाइक के समझ में आ जाए तो अच्छा है ना, मेरे तो आ गया होगा आपको। तो दोस्तों मैं कोयल बाहर निकलाता हूँ और बाहर निकलने के बाद मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये हल रहा है तो इसमें आपको हल्का हल्का पुट्टा लगा देना इसमें या कुछ प्लाई का टुकड़ा या जो भी आपके पास में है, तो कोयल में बाहर निकाल देता हूँ और नीचे वाली कोयल भी बाहर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों ये नीचे वाली कोयल लाइट की है, ऊपर वाली कोयल अपनी वेल्डिंग की है, तो ये डीसी है और ये एसी है। तो मैं दोनों कोयलों का गेज करवाता हूँ इसमें कितना वेट है। और दोस्तों इस कोयल को ये सेम दोनों कोयले सेम है दोस्तों, इसमें सेम वायर डला हुआ है, सेम ही इसमें टन दिए हुए हैं, कितना वायर डला है कितना कम डला हुआ है मैं इसको वेट करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों इसका वेट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा वायर डला हुआ है, इसमें कितना नंबर वायर है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका एसी वाले का वेट करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास में है तोड़ने के लिए, तो मैं आपको ये एसी वाली कोयल है इसका वेट करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें लगभग 1 किलो 500 ग्राम तार डलता है, मेरे हिसाब से मैं लगभग 1 किलो 400 के आसपास डलता है। तो दोस्तों 100-150 ग्राम तो इसके, 50 ग्राम तो इसके नट बोल्टों के हो जाएंगे, तो आप एक्चुअली 1 किलो 450 ग्राम मान लो। वेल्डिंग मशीन में कोई सी वेल्डिंग मशीन वो 1.5 किलो 1 किलो 400 ग्राम ही तार डलता है, मैं इतना डालता हूँ, 1-400 से ज़्यादा नहीं डलता है। और ये कौन से वायर है, तो दोस्तों ये एसी वायर है जो अपना एसी लाइट में 200-250 वोल्टेज वाली वेल्डिंग, 250 एम्पीयर वाली वेल्डिंग है उसमें ही इसका वीडियो है। और 250 एम्पीयर वाले बारे में बता रहा हूँ मैं, तो 250 एम्पीयर में 1 किलो 450 ग्राम तार हैवी है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो दो नट लगे हुए हैं, दो नट को खोलेंगे तो लगभग 1 किलो 450 ग्राम नेट आ जाएगा। तो दोस्तों ये कितना नंबर गेज है मैं गेज करके बताता हूँ। तो दोस्तों इसका गेज करते हैं, सबसे पहले इसका बोल्ट खोलते हैं जो नट लगा हुआ है, खोलते हैं उसका, इसके बाद में सिलू कटवाते हैं बाहर। तो दोस्तों इसका ये करवाते हैं, हमने बोल्टू के नट तो पहले से खोल दिए हैं, इसको सिलू बाहर कटवाते हैं कितना नंबर इसमें वायर डला हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना नंबर वायर आता है, मैं गेज कर, मेरे पास गेज है भाई, कैमरे में दिखा भाई गेज कौन सा है भाई, कैमरे में दिखा, ये नहीं गेज चक्री दिखा, चक्री दिखा। दोस्तों ये आपके पास में गेज पूरा है इंडिया में, मेरे हिसाब से तो ये चलता है, मेरे पास तो यही है, आपके हिसाब में आपके पास कौन सा है मेरे को पता नहीं है, मेरे पास तो यही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा नंबर गेज आता है तो मैं गेज करके बताता हूँ। दोस्तों कौन सा गेज आ रहा है इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें दोस्तों 13 नंबर आ रहा है, एक्यूरेट 13 में बढ़ रहा है, 14 में नहीं बढ़ रहा है, 12 में ढीला दे रहा है, 14 नंबर में लगा भाई कैसे कैसे 14 में नहीं आ रहा दोस्तों, और 12 में बहुत ढीला दे रहा है और 13 में एक्यूरेट आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास 13.5 मिलता है तो अच्छी बात है, ये 13 तो इसमें डले डलेगा थोड़ा, 13 में मामूली सा ढीला दे रहा है, जैसे 13.5 और 13 में तो मामूली ज़्यादा फर्क नहीं है, पर 13 भी आप लगा सकते हो, 13 या 13.5 दोनों आपको मिले लगभग। दोस्तों गेज आपको ये लगाना है 13.5 या 13, ये एल्युमिनियम का वायर है और ये 13 नंबर है, तो दोस्तों आपको 13 नंबर ही लगाना है इसमें। तो दोस्तों इसका दो 250 एम्पीयर वाली का एसी का डेटा है 13 नंबर और वायर आपको डालना है 1 किलो 450 ग्राम, ये आपको दिख रहा होगा, ये कोयल है दोस्तों और ये गेज है, इसमें 13 नंबर कोयल 13 नंबर इसमें डलेगा और 1 किलो 450 ग्राम वायर डलेगा दोस्तों, इसका एसी का डेटा है। और इसमें दो कोयल बनेगी, एक कोयल भी बना सकते हो, दो कोयल भी बना सकते हो। अब दोस्तों हम नापेंगे इसको वेल्डिंग जो डीसी वाली कोयल उसमें कितना है, तो सबसे पहले दोस्तों डीसी वाली कोयल को तोलते हैं, वेट करते हैं, वेट करने के बाद मैं बताता हूँ। ये डीसी कोयल को, डीसी वाली कोयल इसको वेट करते हैं कितना। तो दोस्तों हमने डीसी वाली कोयल को मेल दिया है कांटे पे, आप देख सकते हो डीसी वाली कोयल में 1 किलो 283 ग्राम यानी 1 किलो 300 ग्राम तार डलता है इसमें, ये डीसी कोयल है इसमें 1 किलो 300 ग्राम तार है, कितना नंबर है तो दोस्तों मैं इसको बताता हूँ छील के, फिर आपको देखना है। तो दोस्तों इसका एक जैसे आटा, ये एक ये कम हो गया तो इसको एक आटा कम कर देते हैं, एक आटे से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, एक आटा इसको छील लेते हैं, छील के इधर काट लेते हैं, छीलने से दोस्तों दिक्कत हो जाएगी मेरे हिसाब से। दोस्तों सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको गेज कराता हूँ मैं इसको। तो दोस्तों हमने इसका एक टन कम कर दिया है, एक टन यानी एक आटा कम हो गया है, कौन इस पे जोड़ेगा, तो इसने एक टन एक आटा कम करने से हमको ये इतना लंबा हो गया है, फिर इसको यहाँ से छीलते हैं, छीलने के बाद बताता हूँ कौन सा गेज डलता है। फिर दोस्तों इस पे अभी कपड़ा लगा हुआ आता है, आपको पता होगा कपड़े आता है इसमें, छीलने के बाद में दोस्तों बताते हैं अपन। तो दोस्तों हमने ये डीसी वायर ले लिया है जो अपना वेल्डिंग रॉड चलता है इस पे, तो दो कोयलों का सेट होता है दोस्तों, और मैंने वायर तो बता दिया आपको कितना किलो वायर लगता है इसमें। तो दोस्तों गेज करते हैं, तो हमने अच्छी तरह से इसको छील लिया, छीलने के बाद बताता हूँ दोस्तों, मेरे को बताओ कितना नंबर में डाल रहा है, 6 नंबर दोस्तों, 6 में तो बिल्कुल एक्यूरेट से 7 में डालें दोस्तों, 7 में नहीं आ रहा है और 6 नंबर में एक्यूरेट आ रहा है, 5 में कितना ढीला रहता है दोस्तों, 5 में तो काफ़ी ढीला ले रहा है आपको दोस्तों, 6 नंबर में डालना है इसको, देखते हैं 6 नंबर में क्या साइज रहता है, मेरे को दिखाना, 7 नहीं आ रहा दोस्तों,
वही दोस्तों 6 नंबर में एक्यूरेट आ रहा है दोस्तों, इसमें 6.5 भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, 6 नंबर एक्यूरेट आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो एक्यूरेट है दोस्तों, इसमें ज्यादा यूज नहीं है, 6.5 यूज में ले सकते हो और 6 यूज में ले सकते हो, सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से 6.5 और 6 दोनों लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका गेज, ये बेल्डिंग मशीन है, 250 एम्पीयर वाली बेल्डिंग है, इसमें गेज आता है दोस्तों, एसी का आता है दोस्तों इसमें 13 नंबर और डीसी का आता है इसमें 6 नंबर। तो दोस्तों ये आप ले सकते हो, दोनों का कोयलों का मैंने वेट बता दिया, दोनों कोयलों का आपको कितना वायर गेज लेना है, कितना नंबर लेना है, दोनों बता दिया। तो दोस्तों इस बेल्डिंग मशीन को वापस हम सही करवाते हैं और फिटिंग करवाते हैं। सीट लेके आए जो कपड़े के थान में आती है, या पुट्टा बोलते हो या क्या बोलते हो, ये सीट है दोस्तों ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कैमरे में। तो दोस्तों ये साइड में ये लगा देना, आपको जो बेल्डिंग मशीन हल रहा है या वायर वेट कर रहा है तो उसके साइड में ये लग जाएगा। तो दोस्तों ये बेल्डिंग मशीन में फिटिंग करवाता हूँ फिर आगे बताता हूँ। तो दोस्तों भाग 2 बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो दोस्तों मेरे को जरूर बताइए। दूसरा भाग बनाना